Hello students, I hope you are doing well at your home. Now today we are going to start our English grammar class and your English book name is Innovative Basic English Grammar. This is your book name. Now today we are going to start our first chapter, that is chapter number 1, the sentence and its part. Sentence aur uske parts means sentence pe kya kya parts hote hain, jisse sentences bante hain. Now let's start our chapter. The English alphabet consists of 26 letters. English alphabet में total 26 letters होते हैं. A group of letters makes a word. जो group of letters होते हैं, वो एक word बनाते हैं. And a group of words forms a sentence. और जो words होते हैं, उनका जो group होता है, वो एक sentence बनाता है. When we speak or write, we use sentences. जब हम बोलते हैं या लिखते हैं, तो हम का यूज करते हैं, सेंटेंसेस का यूज करते हैं. सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ वर्ड. सेंटेंसेस जो होते हैं वो वर्ड से मिलकर बने होते हैं. जैसे अभी आपने यहाँ पढ़ा कि जो वर्ड्स होते हैं वो एक सेंटेंस बनाते हैं. व्हेन दीज वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर. जब ये जो वर्ड्स हैं सेंटेंस में एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज होते हैं, दे मेक कंप्लीट थॉट. तो ये क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं, मींस उसका एक मीनिंग निकलता है. सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस. और इन्हीं वर्ड्स को या इन्हीं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं सेंटेंसेस. नाउ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स. हर सेंटेंस में टू पार्ट्स होते हैं, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट. फर्स्ट क्या है हमारा पार्ट, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या होता है, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द नाउन और वर्ड ग्रुप एक्टिंग एज अ नाउन दैट परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस्ड इन द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस और क्लॉज. जो सब्जेक्ट होता है हमारा सेंटेंस का, बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब समझें, तो सब्जेक्ट का मतलब वो होता है जो सेंटेंसेस में जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं या बात की जाती है, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट. द सब्जेक्ट मे बी वन वर्ड. सब्जेक्ट जो होता है वो एक मे बी वन वर्ड का भी हो सकता है. शैली लव्स चॉकलेट. फॉर एग्जाम्पल शैली लव्स चॉकलेट. शैली को चॉकलेट्स पसंद है, तो शैली जो वर्ड है वो सब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, शैली के बारे में. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंसेस में बात होती है. द सब्जेक्ट मे बी इन अ नाउन फ्रेज. सब्जेक्ट जो होता है वो एक नाउन फ्रेज में भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल सीइंग द परेड वॉज एक्साइटिंग. परेड को देखना बहुत ही दिलचस्प था. तो सीइंग द परेड, हमने किसको देखा, परेड को देखा. तो सीइंग द परेड एक नाउन फ्रेज है, ये हमारा सब्जेक्ट है. सेकंड, द ब्लैक एंड व्हाइट डॉग वॉज बार्किंग फियर्सली एट द स्ट्रेंजर. जो ब्लैक एंड व्हाइट डॉग है वो बिना डरे एक स्ट्रेंजर पे, स्ट्रेंजर मीन्स एक अजनबी पे भौंक रहा है. भारतीय मतलब होता है भौंक रहा है. तो जो ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट डॉग, ये जो फ्रेज है ये एक नाउन फ्रेज है और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज प्रेडिकेट. द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द क्लॉज और सेंटेंस दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. जो प्रेडिकेट होता है सेंटेंस का वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है. मीन्स जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल था शैली. शैली जो है वो तो सब्जेक्ट था, लेकिन उसके आगे जो सेंटेंस यूज किया है, मींस आगे जो वर्ड्स यूज हुए हैं, लव्स चॉकलेट, ये हमारा प्रेडिकेट है. मींस सेंटेंस के बारे में वो आगे क्या बात हो रही है वो हमारा प्रेडिकेट होता है. इन अदर वर्ड्स द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज नॉट द सब्जेक्ट एंड इट मॉडिफाइज इज द प्रेडिकेट. दूसरे वर्ड्स में अगर हम इसको समझे, दूसरे शब्दों में, तो सेंटेंस का वो पार्ट जो सब्जेक्ट नहीं होता है लेकिन सब्जेक्ट के बारे में बताता है, प्रेडिकेट होता है, उसको हम कहते हैं. अ प्रेडिकेट कैन बी वन वर्ड और सेवरल वर्ड्स.
जो प्रेडिकेट है वो एक वन वर्ड का भी हो सकता है और सेवरल वर्ड्स भी हो सकते हैं, एक पूरा सेंटेंस हो सकता है। नॉट ऑल ऑफ विच आर वर्ब्स, जिसमें से सब जो होते हैं वो वर्ब्स नहीं होते, मीन्स एक्शन वर्ड्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट इज द वर्ब। जो प्रिंसिपल पार्ट होता है प्रेडिकेट का वो वर्ब होता है, वर्ब मीन्स एक्शन पार्ट होता है, मीन्स क्या काम हुआ है सेंटेंसेस में वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग स्निफ, डॉग ने स्निफ किया, स्निफ मतलब होता है सूंघना, डॉग सूंघते हैं ना, जब कोई चीज देखते हैं तो डॉग सूंघते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्निफिंग। फर्स्ट इज द डॉग स्निफ, डॉग ने सूंघा, तो ये काम हुआ, ये एक्शन हुआ, ये वर्ब है, ये जो प्रिंसिपल पार्ट है प्रेडिकेट का ये वर्ब है। सेकेंड, द डॉग हैज बीन स्निफिंग, डॉग जो है वो सूंघ रहा हैज बीन स्निफिंग, ये प्रिंसिपल पार्ट है प्रेडिकेट का। थर्ड, द डॉग स्निफ्ड, लुक्ड अराउंड एंड ग्रोल्ड, डॉग ने सूंघा, अपने आसपास देखा और ग्रोल किया, मीन्स गुर्राया। तो ये जो आपके रेड कलर के जो वर्ड्स हैं ये आपके प्रिंसिपल पार्ट हैं सेंटेंस के, जो प्रेडिकेट होते हैं और जो वर्ब है मीन्स जो एक्शन कर रहे हैं, ये जो एक्शन हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, स्टडी देम केयरफुली। ये जो सेंटेंसेस आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सब्जेक्ट जो सेंटेंसेस है इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि सेंटेंसेस के दो पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इनको हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है और कौन कौन सा प्रेडिकेट है। फर्स्ट वन इज द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर, पोस्टमैन लेटर लाया, तो पोस्टमैन ने कौन लेटर लाया, पोस्टमैन। तो जब तो जो द पोस्टमैन है वो हमारा सब्जेक्ट है, ब्रिंग्स लेटर ये हमारा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है उसके आगे का जितना भी पोर्शन होता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। सेकेंड, अजय फ्लाइज अ काइट, अजय ने पतंग उड़ाई, अजय हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि अजय के बारे में बात हो रही है, फ्लाइज अ काइट, उसने क्या उड़ाई, पतंग उड़ाई, तो ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। थर्ड, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज सब्जेक्ट, इज अ गुड एक्सरसाइज इज प्रेडिकेट। फोर्थ, पंडित नेहरू वॉज अ ग्रेट लीडर, तो पंडित नेहरू के बारे में बात हो रही है तो पंडित नेहरू सब्जेक्ट हो गए, वॉज अ ग्रेट लीडर, दिस इज द प्रेडिकेट। नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज। इसी तरीके से आपके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आगे दिए हुए हैं, सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिमेम्बर, व्हेन यू राइट अ सेंटेंस यू मस्ट रिमेम्बर टू थिंग्स। जब हम सेंटेंसेस को लिखते हैं तो हमें दो चीजों को ध्यान में रख के सेंटेंसेस को लिखना होता है, लिखा जाता है। फर्स्ट वन इज ईच सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। पहला क्या है कि कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो हमेशा उसकी स्टार्टिंग किससे होती है, कैपिटल लेटर से। ए, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको सेंटेंसेस पता है कितने तरीके के सेंटेंसेस आपके होते हैं। फर्स्ट वन इज जो सेंटेंस एक सीधा स्टेटमेंट बताता है, मीन्स एक डिक्लेरेशन करता है, उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और वो सेंटेंसेस एंड्स किससे होते हैं, फुल स्टॉप से। फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स बार्क एट नाइट, डॉग जो है वो रात में भौंकते हैं, तो डॉग्स बार्क एट नाइट ये असर्टिव सेंटेंस है। बी, अ सेंटेंस दैट एक्सरसाइजेस अ कमांड और अ रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, इट ऑल्सो एंड्स विद अ फुल स्टॉप। वो सेंटेंसेस जो कोई कमांड देते हैं या ऑर्डर देते हैं या हमसे रिक्वेस्ट करते हैं वो हम कहते हैं उन सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंस, और ये भी सेंटेंस जो एंड होते हैं वो फुल स्टॉप से एंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वॉटर, यहाँ पे ये सेंटेंस है उसमें एक कमांड नहीं एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज मुझे एक ग्लास वाटर दो, तो ये एक रिक्वेस्ट है, इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। सी, अ सेंटेंस दैट आस्क
question is called an interrogative sentence. Third part है interrogative sentence. Interrogative sentences क्या होते हैं? वो sentences जिसमें question पूछा जाता है. It also ends with a question mark or mark of interrogation. और ये जो sentences end होते हैं इसके last में interrogation mark लगता है. यह हम simple language में इसको कहते हैं question mark लगता है. For example, what is the man doing? ये आदमी क्या कर रहा है? तो ये एक question पूछ रहा है, तो इसके आगे last में क्या लगा है? Interrogative sentence है, ये interrogation mark यहाँ पे लगा है, या question mark यहाँ पे लगा है. Now last is a sentence that expresses a strong feeling is called an exclamatory sentence. वो sentences जो एक select feeling बताते हैं या strong feeling बताते हैं उसको हम कहते हैं exclamatory sentences. जैसे कोई चीज हम देख लेते हैं, हमारे जो अचानक से thought आता है mind में उसको हम कहते हैं exclamatory sentences. It ends with an exclamation mark. और ये जो end होते हैं sentences, इनके end में क्या लगता है? Exclamation mark. Exclamation mark इस तरीके का आपका mark होता है, एक line होती है, उसके नीचे dot होता है. For example, watch our beautiful flower it is. कितना सुंदर फ्लावर है. तो हमने फ्लावर को देखा, हमारे अंदर सडन एक फीलिंग आई कि वो बहुत ही सुंदर फ्लावर है. तो सुंदर फ्लावर है तो ये किसका पार्ट हुआ? एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पार्ट हुआ. नाउ नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज. टेस्ट योरसेल्फ, पॉइंट आउट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसमें आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना है. जैसे हमने ऊपर के सेंटेंसेस में किया था, आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं तो आपकी आराम से इसको आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि इन सेंटेंसेस में कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट. फर्स्ट वन इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज डेविड केम कैन कम विद अस टू सी द मूवी. टू सी द मूवी, डेविड हमारे साथ आ सकता है मूवी देखने. तो किसके बारे में बात हो रही है? डेविड के बारे में. तो डेविड क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया. और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का जो पार्ट है वो क्या हो गया? हमारा प्रेडिकेट हो गया. तो ये क्या है? प्रेडिकेट. इसी तरीके से आपको बाकी के सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना है और इसको होमवर्क करके आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है. नेक्स्ट पेज, मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. इसी तरीके से देखिए, आपको बाकी सारे सेंटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको भी आपको यहाँ पे करना है और भेजना है होमवर्क. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज एक्सरसाइज बी. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन सिंपल सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट. इस एक्सरसाइज में भी आपको यही करना है, आपको सिंपल सेंटेंसेस को, सिंपल सेंटेंसेस में सिंपल सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है. इसमें आपको सिंपल अंडरलाइन करना है. पहले वाले एक्सरसाइज में आपको लिखना था बट वहां पे एक्सरसाइज के पास वहां पे जगह नहीं थी, इस वजह से मैंने इसको अंडरलाइन किया. आपको इसको लिखना है और उसके बाद फिर आपको होमवर्क सेंड करना है. इसमें आपको सिंपल अंडरलाइन करना है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट को पहचानिए और अंडरलाइन करिए. फर्स्ट इज मुकेश कैन कम विद अस टू सी द मूवी. इसमें भी वही सेंटेंस यूज हुआ है, वहां पे डेविड था, यहाँ पे मुकेश है. तो मुकेश के बारे में बात हो रही है, तो मुकेश यहाँ पे सब्जेक्ट है और बाकी इसका जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेडिकेट है. इसी तरीके से बाकी के सारे सेंटेंसेस को आपको अपने आप करना है और इसको होमवर्क भी करके भेजना है. नेक्स्ट पार्ट इज एड सूटेबल प्रेडिकेट्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट. इसमें आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बात हो रही है वो दिए हुए हैं, लेकिन इसके आगे का पार्ट आपको खुद से लिखना है कि हम उसके बारे में और क्या कह सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज दीज फ्लावर्स, यह फूल. यहाँ पे हम आगे क्या प्रेडिकेट ऐड कर सकते हैं? हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, दीज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटिफुल. ये फ्लावर्स बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं. तो यहाँ पे आर ब्यूटिफुल लिख सकते हैं, या दीज फ्लावर्स आर रेड इन कलर, येलो इन कलर, या उनका शेप बता सकते हैं. तो इस तरीके से आपको जो भी सूटेबल प्रेडिकेट है यहाँ पे आपको ऐड करना है. इसी तरीके से सेकेंड है, माई वॉच इज वेरी एक्सपेंसिव. मेरी वॉच बहुत ही महंगी है. या आप कुछ भी कह सकते हो, ब्लैक इन कलर, या किस तरीके से भी इसको यहाँ पे प्रेडिकेट आपको ऐड करना है. थर्ड, ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए आप बहुत सारे सेंटेंसेस लिख सकते हो, जैसे कि वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बहुत फ्रेश होती हैं. इस तरीके से मैंने सेंटेंस लिखा है, ग्रीन वेजिटेबल्स आर गुड फॉर हेल्थ. ग्रीन वेजिटेबल्स
हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है। इसी तरीके से नाउ मूव ऑन टू योर नेक्स्ट पेज। यहाँ पे बहुत सारे आपको 15 सब्जेक्ट्स टोटल दिए हुए हैं। इन 15 सब्जेक्ट्स में आपको ये टोटल प्रेडिकेट्स को लिखना है। सो दिस ऑल्सो यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट दिया हुआ है और ये प्रेडिकेट दिया हुआ है, आपको उसको मैचिंग करानी है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। मीन्स यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा प्रेडिकेट होगा जिससे कि एक मीनिंगफुल वर्ड निकले, सॉरी मीनिंगफुल सेंटेंस निकले, यहाँ पे आपको बताना है। जैसे रवि, रवि इज अ गुड बॉय। द सन, सन के साथ क्या होगा, यहाँ पे आपको ये देखना है कौन सा प्रेडिकेट सन के साथ प्रॉपर मैच होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे सन का है सेट्स इन द वेस्ट, तो ये सन के साथ आएगा। बर्ड, बर्ड फ्लाइज इन द स्काई। इसी तरीके से आपको ये बाकी सारे सेंटेंसेस की या बाकी सारे सेकंड प्रेडिकेट की मैचिंग करानी है और मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनानी है। और यहाँ पे जो आपको ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको इन सेंटेंसेस को प्रॉपर कंप्लीट करना है और लिखना है। सो विद दिस योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। इससे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है और आपका जो भी होमवर्क आपको यहाँ पे बताया मैंने, इसको आपको करना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। थैंक यू।